शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं एक और खौफनाक चीज के बारे में पूछना आपसे काला पानी गए थे वहां हां मैंने बताया था पहले कि मैं आ, मैंने रूम में बैठ के उत्कर्ष के साथ स्क्रिप्ट लिखी थी और फिर मैं सीन वीन बनाए थे हमने और वहां जब गया मैं तो यार मैं तो देख के मैं गया पहले तो हम ऐसे नीचे से ऊपर गए ये काला पानी ये मैं तो वहीं से मेरा थोड़ा सा वो खोने लग गया फिर उसके गेट के अंदर गए देखा क्या लंबे लंबे कॉरिडोर क्या टॉर्चर ये वो सेल वेल सब सेल्स एक ही तरफ पॉइंट करते थे सात विंग थे दो जैपनीज ने तोड़ दिए थे अभी तीन बचे हैं जैपनीज ने तोड़ के अपने उस पत्थर के बंकर वंकर बना लिए थे दो मेरे ख्याल से एज आई हर्ड देर कि नेहरू जी तोड़ रहे थे ताकि ये जेली गायब हो जाए ऐसा मैंने सुना वहां पे, पर जो जिनके लोग थे उस जेल में उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनके जो पोते पड़पोते पोते वगैरह उन्होंने जाके फिर मुहिम दे के उसको रुकवाया था कि इस जेल को तोड़ो मत नहीं तो जेल टूट रही थी काला पानी इस धरती से गायब होने वाला था तो वो तीन विंग बच गए अभी उस विंग में क्या होता है कि हर एक पूरे जेल में हर एक दरवाजा जो सेल का दरवाजा होता है वो एक ही साइड है तो आप इस सेल से दूसरे बिल्डिंग की बैक देख सकते हो किसी को देख नहीं सकते साथ वाला भी सेल इतना दूर है वो कुछ बातचीत भी चिल्ला चिल्लू के कर लो आप और वो क्या करते थे वो कुंडी लगाते थे ताला लगाते थे और ताली अंदर फेंक देते थे इसे और नए नए लोगों को लगता था कि यार ऐसे करके ना वो खुल जाएगा और वो बस हाथ नहीं पहुंच सकता इतनी दूर था कि बस वो करता रहे सारी रात तड़पता रहे इसलिए बोलते थे वहां चुल्ला के चाबी के हाथ मत लगाना क्योंकि <laughs> वो रात तो गुजरनी मुश्किल हो जाए और फिर जब मैं वहां गया तो मैंने शॉट ऐसे लगाएँगे ऐसे लगाएंगे, लगाएंगे। वाह ये वो पूरा मैं देखा फिर मेरे को लगा यार मैं एक्टर भी तो हूँ इसमें कहा ओके चलो एक वो करते हैं मेथड एक्टिंग तो मैंने बोला कि अच्छा आप तो लोग जाओ ये रहा मेरा फ़ोन और बाहर से वो सांकर लगा देना इसकी और मैं थोड़ा यहाँ बैठना चाहता हूँ पहले तो मैं बैठा ईट वीट कैसे चलते होंगे आदमी लेटा ये किया वो किया फिर पांच मिनट के अंदर अंदर ना मेरे को ऐसा लगा कि दीवारें मेरे पे मेरा सांस फूलने लग गया एकदम से मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि कैसे कितने सालों तक इसमें लोग रहे होंगे तो वो फीलिंग आने लगी लग उसमें कि यार कितने लोगों के खून पसीना आंसू उसके अंदर दफन होंगे तो फिर मैंने तो उनको आवाज मारूं तो आवाज नहीं पहुंचे और वो जो मैं चक्कर वहां काटे जेल में फिर वो मैंने मूवी में डाला कि क्या फीलिंग आती होगी अंदर घुस के यार और वहां पे क्या होता था कि आप छह महीने आपको सोलिट्री में रखते थे आप पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे तो ये और कोई भी प्रिजनर होते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को थोड़ा लंबा रखते थे उसके बाद आप आइलैंड पे जा सकते हो काम कर सकते हो वापस आ सकते हो पैसा कमा सकते हो कुछ साल के बाद आप अपनी फैमिली भी, भी बुला सकते हो तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ के क़ैदियों के ही डिसेंडेंट्स हैं बट विनायक सावरकर को और गणेश सावरकर बाबा राव सावरकर को 11 साल वहां से निकलने नहीं दिया कितनी बार उनकी सोलिट्री हुई और उन कोलों का तेल निकलवाते थे कई लोग वहां होते थे जो पागल हो गए थे बहुत लोगों ने अपने ही कपड़ों से फांसी लगा ली थी अपने और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और उन प्रिजनर्स को अलग रखते थे और वहाँ पे क्या ना पठानी पठान वार्डर्स थे और अंग्रेजों ने ना जान के ये लगा रखे थे वहां पे हिंदुओं के ऊपर तो दे यूज टू टॉर्चर देम गालियां धर्म के ऊपर गालियां एक रोटी के लिए आयत बोलो कुल्लू से बचने के लिए वो बोल देते थे अच्छा खाना मिलेगा अगर आप आ, कन्वर्जन कर लोगे ये कर लोगे तो ऐसे भी चीजें होती थी वहाँ फिर बैरी करके वहां पे एक जेलर होते थे वो बड़े घूखार होते थे था वो बड़ा पोलाइट वलाइट ऐसे ऐसे करता था पर बहुत ही ज्यादा वो तो उस विनायक और उनकी बहुत टसन रहती थी मिर्जा एक थे वॉर्डर और विनायक और बैरी और अब ग्यारह साल वहां रहे पहले तो मुझे वहां पहुंचा तो मुझे लगा यार पूरी पिक्चर इसी में बना देता ना तो भी कम थी तो मैं वहां पे बहुत शूट करके आया फिर बहुत ही दर्दनाक जगह थी और ऑलमोस्ट तोड़ दी थी यार खत्म ही कर दी थी किसी को पता ही नहीं चलता आज की तारीख में काला पानी होता क्या था रात को रहे वहाँ शूटिंग की मैंने बदलता था रात रात में को तो एक अलग ही टाइप का सन्नाटा होता था, था वहां पे अलग ही टाइप के मच्छर वच्छर ये वो और रात को हवा चलनी बंद हो जाती थी तो और मुश्किल होती थी कई बार मैं जैसे शूटिंग की उसमें तो आपका रहता है और हमने कभी वो ऐसा बंद नहीं कराया मैंने कहा जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको जो देखने आते हैं वो करते रहें तो दिन में हम एक अलग विंग में चले जाते थे शूट करनी होती थी रात को फिर हम अलग शूट करते रात को एक शो होता था पूरा वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो तो लाइट एंड साउंड शो ऐसे टाइम पे होता था कि हमारे तीन चार घंटे रोज़ के खराब हो जाते थे मैंने कहा चल ठीक है भाई ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट है उन्होंने हमको शूट करना अलाउ किया उतना ही बहुत है मैं वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल से भी अपना गवर्नर से भी मिला था यहाँ पे अपना आईएनबी मिनिस्ट्री से भी चिट्ठी लिखवाई थी कि मगर आई एम मेकिंग अ मूवी ऑन अ पेट सावरकर साहब और वो काला पानी के बगैर बन नहीं सकती तो मुश्किल से परमिशन मिली थी पर उन्होंने मेरे को दे दी थी तो इट्स वो एक कॉलोनियल का जो बोलते हैं ना कई लोग और मुझे बचपन में ये भी याद है कि लोग बोलते थे कि यार अंग्रेज़ कुछ साल और कुछ साल और रह जाते तो और तरक्की हो जाती उन लोगों ने ये नहीं देखा कॉलोनियलिज्म का जो एक गुलामी का और एक सब ह्यूमन लेवल जो एक लोगों को ट्रीट किया जाता है वो ऐसी जगहों पे होता था इट इज कुछ सुनाई दिया या दिखाई दिया मुझे तो कई बार ऐसे दिखता था कि, कि यहाँ पे लोग थे अब नहीं है एक वो फीलिंग होती है ना कि ये थे यहाँ पे अब नहीं है जैसे तो डिजोल्व हो गए उसके अंदर और वहां पे कई बार विंग्स में से पर इतने लोग थे हमारे यूनिट में तो किसका क्या पता चलता था पर ज्यादा दूर कोई नहीं जाता था शूट से में सब एक ही साथ रहते थे कभी बात हुई इसके बारे में नहीं यार मेरे को तो फ़ुर्सत ही नहीं थी यार मैं तो क्या मैं तो रात को चार घंटे सोता था सारा पहले जाके उस दिन का क्या करना है फिर खुद की भी एक्टिंग फिर अगले दिन की प्लानिंग फिर अरे यहाँ पे सन आ गया ये चला गया कुछ देर के लिए ये बंद हो गया ये खराब हो गया तो मैं तो उस मैनेजमेंट में ही मैं इतना वो रहता था कि आके सोता था नींद की गोली खाते मेरे को अभी दो साल हो गए अब उससे भी नींद नहीं आती अब भी खा रहा हूँ अभी भी खा रहा हूँ टेंशन की वजह से हाँ क्योंकि नींद नहीं आती यार दिमाग चलता रहता है और कुछ जब मैं भूखा मरता था तो वैसे ही नींद नहीं आती थी अब इतनी मतलब ये ये चीज़ वो चीज़ सब कुछ ही अपने हाथ में तो थोड़ा सा ऐसा है पर मेरे को जब से मैंने सावरकर जी का वो लिया है मेरे को मेरी नींद उड़ गई टेंशन यही है कि लोगों को जाकर फिल्म देखनी चाहिए नहीं टेंशन यही नहीं है टेंशन यही है कि मैं पूरी पिक्चर अच्छी तरीके से बना सकूं एक तो ये भी टेंशन है आर्टिस्टिक टेंशन आर्टिस्टिक टेंशन भी है आर्टिस्टिक टेंशन भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंशन भी है और एक इट आई वॉन्टेड टू बी एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट देखिए आप अमेरिका ने ओपन बनाई उस आदमी ने एटम बम डिस्कवर एटम बम बनाया था कितना दर्दनाक एटम बम का हमारा वो रहा है जापान में इन्होंने सिविलियंस पे हिरोशिमा और नागासाकी में रात को बम एटम बम फोड़ दिया बट दे आर द गुड गाइस अमेरिका इज द गुड गाय वियतनाम में क्या हुआ क्या किया उन्होंने अफगानिस्तान में कितने बिलियन डॉलर तालिबान की गवर्नमेंट हटाने के लिए तालिबान की गवर्नमेंट को देके चले गए इराक लीबिया क्या क्या नहीं किया पर उनकी मूवीज क्या होती है प्रॉपर उनकी मूवी से प्रॉपरगैंडा होता है वो अब उनकी मूवी आप पूरी दुनिया में जाती है वी आर द बेस्ट आर्मी वी आर दिस वी आर दैट वी आर द गुड गाइस जापानी बेकार हैं, जर्मन बेकार हैं, ये बेकार हैं। वी आर द गुड गाइस राइट और ये हिस्ट्री में भी यही है क्योंकि हिस्ट्री ने लिखी है ना राइट right? पर ऐसा नहीं है वो तो ये भी कहते हैं कि एलियन सिर्फ अमेरिका में आते हैं उनको बाहर से सिर्फ अमेरिका ही दिखता है और कोई कंट्री नहीं दिखता <laughs> तो वही तरीके से जब वो अपने ओपन को या ट्रूमन को या इसको सबको वो अपने हीरोज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं पिक्चरें बनाते हैं और दुनिया देखती है उनको हम अपने हीरोज को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ पोलिटिकल डेटा आई डोंदर ये ह्यूमन नेचर है या इंडियन नेचर है और जब कोई टॉप तक पहुंच जाता है ना बाकी बहुत सारे लोग उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ये तो ह्यूमन नेचर है ह्यूमन नेचर है है आई फील कि अमेरिका में थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा सा कम 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 होता ये नहीं नहीं, नहीं। देखिए आदमी जिसके पास नहीं है उसे चाहिए जिसके पास है उसको देनी नहीं सिंपल है इतनी बात होती है ओनली फॉर स्ट्रगल कि मैं टॉप पे हूं इसको टॉप पे आना है मैं टॉप की पोजीशन छोड़ूंगा नहीं वो तो हर जगह होता है पर ये अमेरिका का जो एक मूवीज़ का प्रोपेगेंडा है जो एक अमेरिका ने अब हमको एक तो एक इस क्वालिटी की पिक्चर मैंने एक्चुअली ये पिक्चर इसलिए ऐसी क्वालिटी की इसलिए बनाई है कि इसको इंटरनेशनल ऑडियंस भी अगर देखेंगे ना तो क्वालिटी की पिक्चर है तो चपी नहीं है कहीं पर लुक्स बेगर मैंने बनाई है तो ये क्वालिटी अगर दुनिया तक जाए हमारी भी एक नेशनल प्राइड जो हमारा है जो एक रिसर्जेंस आई है कि मुझे याद है यार मैं मंदिर में अपने वो पंजाबी लड़के जो मेरे दोस्त होते थे उनके साथ मैं मंदिर जाता था मंदिर जाके हम तिलक विलक लगवाते लगा देते है वो पुजारी सब आके साफ कर देते थे उसको हिंदू सिंबलिज्म ठीक नहीं थी इतने साल अब हिंदू सिम्बलिज़म रिसर्जेंस पे तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है हमारे देश में अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ